भाई चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा मजेदार सवाल है। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, भाई मैं तो कोलकाता को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। हेलो गाइस, मैं हूँ कैफ फ्रॉम नॉइस टेक और ये है पोको X5। ये हमारा 6128 वाला वेरिएंट है। हम इस फोन को 23 मार्च से यूज कर रहे हैं और आज है 3 अप्रैल। 10 से 11 दिन प्रॉपरली इस फोन को यूज किया है। सुबह के 6 बज रहे और आपके लिए वीडियो बना रहे, जिसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। एंड क्या आपको ये फोन अंडर 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में लेना चाहिए या नहीं, पहले मैं बता दूं आपको। तो ये वाला फोन 19,000 रुपए का है, 6128 वाला वेरिएंट। 2,000 रुपए मुझे कार्ड का ऑफर मिला, मुझे ये पड़ा 17,000 रुपए में। एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर 49 रुपीज डिलीवरी, तो बेसिकली 17,048 में पड़ा। एंड अगर आप 8 GB रैम वाला वेरिएंट लोगे तो आपको 2,000 रुपए और देने पड़ जाएंगे। डिजाइन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमने ये ब्लैक वाला कलर खरीदा। दिखने में हमें ब्लैक कलर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम यही लेते हैं। पीछे पोको का ब्रांडिंग है, 5G लिखा हुआ है, 3 कैमरे दिख जाएंगे आपको। ये पूरा प्लास्टिक है, पीछे भी प्लास्टिक है, आजू बाजू प्लास्टिक है, सब कुछ प्लास्टिक है। यहाँ पे कहीं पे भी मेटल यूज नहीं किया है। बहुत से लोग मैंने वीडियोस देखे एक ही बात करें, ये मेटालिक फिनिश दिया है। मेटालिक फिनिश ठीक है, हल्का फुल्का है, पर एक्चुअली प्लास्टिक है एंड प्लास्टिक जैसा दिखता है। ये प्लास्टिक मैट फिनिश है, पर मैंने इसमें देखा हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं पीछे। आपको थोड़ा बहुत क्लीन करते रहना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा साफ सुथरा फोन पसंद है, या फिर आप अगर ये ट्रांसपेरेंट वाला कवर लगा रहे हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन काफी पतला है, 7.98 mm, मतलब अंडर 8 mm का फोन है एंड काफी पतला दिखता है, स्लीक है। इन हैंड फील अच्छा है क्योंकि ये फोन हल्का भी है, 189-190 ग्राम्स के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट भी नहीं फील होता है इस फोन का। राइट साइड पे सारे बटन्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड पे खाली है। ये वन ऑफ दोस फोन है जहाँ मुझे लॉक स्क्रीन एंड वॉल्यूम बटन्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मे बी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो मैं दोनों को प्रॉपर्ली रीच कर पाता हूँ। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये दिया है लॉक बटन के अंदर। स्पीड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यहाँ पे अच्छा काम कर रहा था। कभी कभी मैंने ये देखा जब आप जैसे उंगली थोड़ा सा टाइम लगता है एंड उसके बाद स्क्रीन वीक होती है। कभी कभी एक मैंने डिले देखा है। पर आपका आयर ब्लास्टर है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक है, 3.5 mm हेडफोन जैक है। नीचे अगर बात करो तो टाइप सी का पोर्ट है, एक स्पीकर दिया गया है और एक माइक्रोफोन दिया गया है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपको आपकी सिम ट्रे मिल जाती है। सिम की बात करूं तो सिम 1, सिम 2 यूज कर सकते हो, 2 सिम, या फिर सिम 1 प्लस एक माइक्रो एसडी कार्ड। बेसिकली आपको सेकंड स्लॉट एक हाइब्रिड स्लॉट दिया है, अप टू 1 TB एक्सपैंड कर सकते हो। 1 TB मतलब बहुत स्टोरेज आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो अगर आपको 128 की स्टोरेज कम पड़ती है। IP53 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब हल्के फुल्के छीटे उड़ भी गए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिजाइन वाइज डेफिनेटली एक प्रॉपर हैंडी फोन है। थोड़ा सा बड़ा है साइज में, 6.67 इंच का डिस्प्ले, पर क्योंकि पतला है, वेट कम, थोड़ा सा हैंडी लगता है। भाई पोको ने एक अच्छा काम किया है, इस फोन के ऊपर पहले से आपको एक गार्ड लगा कर दे दिया। ये एक नॉर्मल पन, ये कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। आपके डिस्प्ले को फॉर द वाइल सेफ रखेगा जब तक आपको कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता है। डिस्प्ले पे आई गए तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.67 इंच का डिस्प्ले है, यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रेजोल्यूशन है। आपको एक AMOLED पैनल दिया है पोको ने, 1200 निट्स यहाँ पे ब्राइटनेस दी गई है, जिसके कारण हैवी धूप में भी आप आराम से इस डिस्प्ले को देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप है मेरे ऊपर, फिर भी ये डिस्प्ले आपको एकदम क्लियर विजिबल मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे कमी नहीं दिखने वाली है। गोरिल्ला ग्लास 3 है जो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगा। मुझे ऐसा लगा गोरिल्ला ग्लास 5 रहता था थोड़ा सा बेटर होता था। मे बी क्योंकि अंडर 20,000 आ रहा है, कॉस्ट कटिंग की गई है यहाँ पे। ये डिस्प्ले AMOLED होने के बाद भी आप देखोगे नीचे की चिन काफी बड़ी दिखेगी, बाकी साइड की बेजल जो है, ऊपर की बेजल है, वो काफी पतली है। ये डिस्प्ले DCI P3 कलर गैमेट भी सपोर्ट कर लेता है। एक चीज मैंने देखी, डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे है। AMOLED होने के कारण यहाँ पे आपको अच्छे डीप पंची ब्लैक्स मिल जाते हैं। अगर आप ब्लैक वॉलपेपर यूज कर दो आपको प्रॉपर ब्लैक मिलेगा। डेफिनेटली फॉर द प्राइस अंडर 20,000 आपको AMOLED दिया, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज दिया, एक बड़ा डिस्प्ले साइज में दिया। एक अच्छा काम किया पोको ने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने देखा आपको HDR नहीं मिलता है। YouTube पे मैंने देखा, Netflix पे देखा, कहीं भी मुझे HDR का सपोर्ट नहीं दिख रहा था। बाकी आपको एक 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, नॉर्मल सी गेमिंग है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। फिर अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे फोन काफी वीक लगा। सिंगल फायरिंग स्पीकर सिर्फ नीचे मिलता है, यहाँ कोई डुअल स्पीकर, स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता है। स्पीकर का क्वालिटी नॉर्मल है, इतना कोई बेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस एंड डेप्थ कम पड़ जाता है। फॉर द प्राइस अगर मैं बात करूँ 17-18 हजार के, ये सबको ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिल सकता है। ईयरपीस का क्वालिटी इस फोन का अच्छा है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे बात कर रहे हो आपका बाजू वाला आपकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन लेगा। साथ ही साथ ये फोन ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है। मुझे से लगता है ब्लूटूथ 5.2 रहता था थोड़ा सा बेटर हो जाता था। एंड एक और चीज, यहाँ पे वाइब्रेशन मैंने देख के थोड़े से वीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़े से ऐसे कीबोर्ड में टाइपिंग के टाइम या फोन आपके जेब में है ना आपको कॉल आता है, कभी कभी वाइब्रेशंस पता नहीं चलते। एक फॉर द प्राइस यहाँ पे वाइब्रेशंस तो डिसेंट है, बट यस डेफिनेटली थोड़े से वीक है। यहाँ पे पोको ने आपको दिया स्नैपड्रैगन का 695 एंड 695 एक ऐसा प्रोसेसर है जिसको आजकल मैं हर अंडर 20,000 के फोन में देख रहा हूँ। मतलब अगर 17,000 से 20,000 रुपए के आसपास कोई फोन आ रहा है देन उसमें ये प्रोसेसर ही आजकल देखने को मिलता है। पोको के खुद के X4 Pro के अंदर भी ये प्रोसेसर दिया था। ये सीपीयू कैसा है, एक डिसेंट चिप है, बहुत सुपर पावरफुल नहीं है। आप नॉर्मल मिड सेटिंग्स पे अगर गेम्स खेल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। UFS 2.2 तो ठीक है बट LPDDR5 रहना था मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगा पोको बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे मुझे जिटर देखने मिलते हैं। यूआई के बीच में स्क्रोलिंग के टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं है बट ऐप स्विच किया तो काफी ज्यादा जिटर मिलेंगे। ऐप ओपनिंग में काफी ज्यादा जिटर देखने मिलते हैं जो थोड़ा सा अनोइंग बन जाते हैं। मैंने देखे दूसरे स्नैपड्रैगन 695 वाले फोन जो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस फोन के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव होने की जरूरत है। जिटर से याद आया, एक चीज मैंने इस फोन में देखी, कई बार मुझे इस फोन में इंस्टाग्राम में भी लैग्स देखने मिलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई रील देख रहा हूँ, अचानक से ये रील एकदम से अटक अटक के चलने लगती है। ऑडियो प्रॉपर आती है, वीडियो अटकती है। अब जैसे एक रील अच्छे से चल रही है, नेक्स्ट रील पे गए वो अचानक से बहुत ज्यादा अटक कर चल रही है, उसके बाद नेक्स्ट पे गया तो वो प्रॉपर चल रही है। मे बी इंस्टाग्राम का ऑप्टिमाइजेशन इशू होगा इस फोन के साथ बट मुझे ये काफी ज्यादा देखने मिला है। कई बार ऐसे भी होता है, सपोज आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, अब आपने वो ऐप क्लोज किया तो ये फोन होम स्क्रीन पे आने के पहले एक अच्छा खासा 5-6 सेकंड का लोडिंग लेता है, उसके बाद स्क्रीन को लेके आता है। इतना ज्यादा अनोइंग है ये चीज। एंड बहुत बार पिछले 7-8 दिनों में मेरे हिसाब से ये चीज मेरे साथ कम से कम 10-12 बार 15 बार हो गई होगी ऑप्टिमाइजेशन के कारण। एक और चीज जिसने मुझे थोड़ा सा अनोय कर दिया वो है यहाँ पे रैम ऑप्टिमाइजेशन। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर खोला, वहाँ पे मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, अब मैंने व्हाट्सएप पे स्विच किया, वहाँ पे सामने वाले को रिप्लाई कर दिया, अब मैं वापस क्रोम पे आया, भाई रैम से बाहर, ये फिर से क्रोम को पूरा रीओपन कर रहा है। ऐसा मेरे साथ एक बार बैंक के OTP के लिए भी हुआ। मुझे बैंक का OTP आया इसलिए मैंने मैसेज खोला, वापस मैं जब क्रोम पे आया तो चला गया। रैम ऑप्टिमाइजेशन को भी यहाँ पे सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले ऐसा होता था जब 5G नहीं आया था उस टाइम पे 20,000 में भी आपको एक सुपर पावरफुल चिप मिल जाता था, जिसे पोको ने हमें एक फोन में दिया था, स्नैपड्रैगन का 860। वो कितना पावरफुल चिप था, वो चीज हमें यहाँ देखने नहीं मिलती है क्योंकि अब 5G आ गया, फोन के कॉस्ट बढ़ गए, फोन के कहीं ना कहीं प्राइजेस बढ़ गए, जिसके कारण हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज। जो फोन आपको पहले 20,000 में मिलता था, वैसे ही अगर स्पेसिफिकेशंस आपको आज की तारीख में चाहिए था ना, आपको 25-26,000 के आसपास पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। ये चीज मैंने एक देखी है लास्ट 2 साल में। बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, ऐसे कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक डिसेंट चिप है, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। 6GB रैम मिल जाती है आपको, प्लस 2GB वर्चुअल रैम मिल जाती है, मैं 6GB वाले की बात कर रहा हूँ। एंड देन आपके पास एक 8GB वाले का भी ऑप्शन है। मैंने एक चीज देखा, पोको ने जानबूझ के यहाँ पे काफी चीजों को बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट, फर्स्ट टाइम आप जब अनबॉक्स करते हो ये फोन 60 हर्ट्ज पे रहता है। जनरली हम जब फोन अनबॉक्स करते हैं कंपनी अपने फोन को 120 हर्ट्ज पे रखती है या हायर रिफ्रेश रेट पे रखती है, पर यहाँ पे मैंने देखा 60 हर्ट्ज पे बाय डिफॉल्ट था। जिसको इतना ज्यादा पता नहीं है वो कभी 120 हर्ट्ज पे स्विच करेगा ही नहीं। एंड दूसरा मैंने एक और चीज देखी, जैसे आप बैटरी में जाते हो उसके बाद सेटिंग के अंदर जाते हो तो वहाँ पे एक 5G बैटरी सेवर नाम की सेटिंग ये भी ऑन रहती है। इसके कारण कई बार आपके फोन को 5G कनेक्टिविटी मिल नहीं पाती है जल्दी। इसको ऑफ करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी 5G मिलेगा। ऐसी कुछ सेटिंग्स है जो पोको ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ करके रख रहा है ताकि आपको ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिले और कई बार आप नोटिस नहीं करोगे इन चीजों को। यहाँ पे आपको 7 5G बैंड मिल जाते हैं। एंड 5G स्पीड्स की बात करूँ, काफी डिसेंट है। यहाँ पे मैं एक जब नॉर्मल फ्लैगशिप यूज करता हूँ, हमारी सिटी में एयरटेल 5G पे एक फ्लैगशिप अगर मैं यूज करूँ या एक अच्छे मॉडम वाला फोन यूज करूँ, मुझे 300 to 350 MBPS डाउनलोड मिल जाती है। एंड अपलोड स्पीड हमेशा 40-50 MBPS, 30-40 MBPS ऐसी ही मिलती है। इस फोन के ऊपर मुझे डाउनलोड स्पीड मिली 265 MBPS के आसपास एंड अपलोड स्पीड मिली 25 MBPS के आसपास, जो फॉर द प्राइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्राइस के हिसाब से अच्छी 5G स्पीड देता है ये फोन। यहाँ पे पोको ने आपको दी 5000 mAh की बैटरी। एंड अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, ये फोन इजिली मेरे को एक दिन चल जाता है। मेरे पास काफी बैटरी बच जाती है, कई बार 30% बच जाएगी, कई बार 25% बच जाएगी। नॉर्मल यूज पे कभी कभी हैवी यूज भी कर लिया तो भी 20-25% के आसपास बैटरी बच जा रही है। हमेशा ये फोन मेरा 24 घंटे से ज्यादा चल जाता है, उसके बाद ही मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। साथ ही साथ चार्जिंग की बात करूँ तो वो मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। 33 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एंड उससे अगर आप इसको चार्ज करोगे तो 30 मिनट्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50-55% के आसपास चार्ज। एंड इसको फुल चार्ज करने में 70-75 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि आजकल हमें थोड़ी सी ज्यादा फास्ट चार्जिंग की आदत हो गई है। बट इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रातों रात में छोड़ रहे हो या दिन में आपके पास टाइम है। अब बात कर लेते हैं इसका कैमरा। आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो एक्चुअल में एक सिंगल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का, f1.8 का लेंस है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जिसमें 118 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। एंड तीसरा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। क्यों दिया ये सब? इससे अच्छा भाई एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, उसके साथ एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, एक डुअल कैमरा सेटअप दे देते वो बेटर होता था। इसी कारण से यहाँ पे इसका मेन कैमरा ही सिर्फ काम का है। मेन कैमरा थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स लेता है, बहुत ज्यादा कलर्स को पॉप नहीं करता है, जिसके कारण मे भी किसी को अच्छी लगी, किसी को ना अच्छी लगे, मुझे डिसेंट लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। डायनामिक रेंज है, कलर्स, शार्पनेस, ये सारी चीज को डे लाइट में अच्छा खासा हैंडल कर लेता है। आउटडोर फोटो ले रहे हो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी, अच्छी फोटोज ले लेगा। बट जहाँ पे आप लो लाइट में आते हो वहाँ पे सफर करना चालू कर देता है। मैंने कुछ फोटोज ली जहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर के झाड़ काफी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लाइट थी नाइट मोड के टाइम पे। और उसी के साथ राइट साइड पे आप देखोगे जहाँ पे लाइट्स कम थी वहाँ बहुत ज्यादा नॉइज दिख रही थी, बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी फोटोज। ऐसी मल्टीपल फोटोज ली मैंने, सारी जगह पे यही सेम रिजल्ट मुझे देखने मिले नाइट मोड में। कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कैमरा नाइट मोड में सफर कर जाता है, एंड एक्सपेक्टेड है। मैं उससे कोई जादू एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये फोन 12 मेगापिक्सल पे फोटोज लेता है। पिक्सल बिनिंग यहाँ पे यस होती है, 4 पिक्सल्स को एक बनाया जाता है, एंड एक अलग से 48 मेगापिक्सल का मोड दिया है जहाँ पे आपको थोड़ी सी शार्पनेस डिटेल्स बढ़कर आएगी। बट वो मोड को मैं आपको सजेस्ट करूंगा डे लाइट में यूज करो, वहाँ पे ज्यादा आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी क्योंकि वहाँ पे उसको लाइट की जरूरत पड़ती है। 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रावाइड पे अगर आ रहे हो, अगेन डे लाइट में ले रहे हो, ठीक फोटोज आ जाएगी, थोड़ी बहुत यूजेबल रहेगी। बट जैसी थोड़ी सी लाइट कम हुई भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरेगी। यहाँ पे मुझे अल्ट्रावाइड फोटोज ने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया, एंड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो से मैं इतना कोई खास इंप्रेस नहीं हूँ। ठीक ठाक है भाई, आपको नजदीक जाके फोटो लेना है ले लो, बट आई वुड सजेस्ट इससे अच्छा 48 मेगापिक्सल की फोटो लो एंड देन उसमें थोड़ा सा जूम कर लो, वो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देगा आपको। मुझे यहाँ पे कैमरास थोड़े से एवरेज लगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो ये फोन 1080p 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1080p 60fps का ऑप्शन देना चाहिए था। यहाँ पे एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, f2.45 का एपर्चर है। यहाँ पे मैंने देखा स्किन टोन्स को थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटीफाई कर देता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा साफ करने की कोशिश की जाती है जिसके कारण थोड़ी सी स्किन ओवर एक्सपोज कभी कभी हो जाती है, थोड़ी सी व्हाइटनेस आ जाती है। पीछे के डायनामिक रेंज को डिसेंट हैंडल कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, जिससे ही फोटो लोगे कई बार ये स्काई को ब्लोन आउट कर देता है जहाँ पे आपको आसमान में एकदम ज्यादा सफेदी देखने को मिलेगी। फॉर द प्राइस में कैमरा से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं कैमरा के मामले में इस प्राइस में। इस फोन का बिगेस्ट लेट डाउन ऑफ कोर्स इसका सॉफ्टवेयर। MIUI 13.0.2 दिया पर एंड्रॉइड 12 दे रहे भाई, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 पूरी दुनिया देना चालू कर दी। एंड्रॉइड 14 के बेटा आने वाले हैं और ये लोग एंड्रॉइड 12 पर बैठे हैं। ये फोन मैक्स टू मैक्स एंड्रॉइड 14 तक जाएगा, बोलेंगे 2 मेजर अपडेट, एंड्रॉइड 13 आपको दे देंगे कुछ महीने में, एंड उसी के बाद आपको बोलेंगे एंड्रॉइड 14 के बाद हो गया आपका काम, अब आप फोन बेचो या हम आपका मदरबोर्ड खराब कर देंगे अपडेट से, फिर आप नया लो। ये है प्रॉब्लम पोको की अपडेट्स में। एक तो फोनों की पूरी ठोक देते हैं ये लोग, कई लोगों को ग्रीन स्क्रीन इशू, एंड मैक्सिमम लोग पोको X5 Pro की मेरी वीडियो देखो, कमेंट में लोग चिल्ला के एक ही बात कर रहे हैं भाई मदरबोर्ड खराब हो जा रहे हैं, कैसे ऐसे कैसे अपडेट के बाद मदरबोर्ड खराब हो जा रहे हैं। भाई ये चीज पोको की बहुत ज्यादा ही बेकार लगी मुझे। वो ग्लांस लॉक स्क्रीन रहता है उसको मैंने ऑफ कर दिया था सेटअप के टाइम पे कि भाई मुझे नहीं चाहिए तू, फिर भी मुझे होम स्क्रीन के ऊपर वो पॉपअप आया। होम स्क्रीन पे जैसे ही फोन अनलॉक किया सामने दिखा रहा है कि ग्लांस को ऑन करो एंड वहाँ पे फिर एक क्रॉस का साइन है, जैसे हम ऐड क्लोज करते हैं वैसे उसको क्लोज करने का ऑप्शन। क्या है भाई, जिसको नहीं यूज करना है जबरदस्ती उसके मुंह पे फेंक रहे हो ये लो यूज करो। इस फोन में आपको ब्लोटवेयर भी अच्छा खासा मिलता है, जैसे फेसबुक का ऐप जबरदस्ती इंस्टॉल्ड है, जिल्ली इंस्टॉल्ड है, लिंक्डइन इंस्टॉल्ड है, मौज इंस्टॉल्ड है, ये स्नैपचैट, बबल शूटर और भी कई सारे ऐप मैंने यहाँ पे देखे, जैसे क्लीनर हो गया, सिक्योरिटी ऐप हो गया MI का। ये सारी चीजें फालतू का ब्लोटवेयर इस फोन को और स्लो कर देते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी ऐप, अपडेट फास्टर ऐप, अमेजिंग बोल्ड फॉन्ट, क्या फालतू ऐड आते हैं इस फोन के ऊपर जो बहुत ज्यादा अनोइंग है भाई। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसा चूना लगा रहे हैं पता नहीं, बट दिस इज सुपर अनोइंग। मुझे पता है ये बजट फोन है, उनको पैसा कमाना है भाई, 1000 रुपए 1500 रुपए हमसे ज्यादा ले लो, पर एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में इतना बेकार काम मत करो कि सामने वाला परेशान हो जाए तुमसे। इसीलिए वो लोग ने बीच में एक फोन के अंदर 2 साल की वारंटी दी थी पोको F4 में, बाकी कोई फोन में ये लोग 1 साल के ऊपर वारंटी नहीं दे रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे ऐसा लगता है मुझे फोन रेकमेंड करना पोको का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइनली वर्डिक्ट की बात करूँ, ये 6128 वाला वेरियंट 19,000 का है एंड 8128 21,000 का है। 2,000 रुपए मुझे कार्ड ऑफर मिला। 17 एंड 19 में आपको पड़ेंगे 6 एंड 8 GB वाले वेरिएंट। अगर मैं 17,000 रुपए से बात करूँ ये 6 GB वाला, मुझे इतना ज्यादा वर्थ नहीं लगा। सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। आई वुड सजेस्ट इसकी जगह आप Realme का कोई दूसरा फोन देख लो या कोई दूसरी कंपनी का फोन देख लो जहाँ पे आपको सेम स्पेसिफिकेशंस इस प्राइस में मिल जाएंगे स्नैपड्रैगन 695 के साथ। Realme ने अभी X10 Pro भी निकाला था, वो भी आप देख सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड बाई, किसी से पैसा नहीं लिया है यहाँ पे, बस अपना पर्सनल सजेशन बता रहा हूँ। वहाँ आपको एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जो चीजें यहाँ पे मिसिंग है, एंड आपको प्लस एंड्रॉइड 12 मिल रहा है। मतलब आपको एक्चुअली एंड्रॉइड 14 तक ही जाएगा, iPhone 15 तक नहीं जाएगा। पोको को सही में बताऊं तो इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड मुझे ऐसे लगता है इस फोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में अगर ये फिर भी बाय करना है तो मैं लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे हिसाब से तो आपको इसको नहीं बाय करना चाहिए। एंड गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।